अपूर्व कुमार दत्त, डीमैट खाते के बिना नहीं मिलेगा बीमा। बीमा के कागजात संभाल कर रखने की समस्या से जल्द ही छुटकारा मिलने वाला है। बीमा नियामक इरडा ने निर्देश दिया है कि दिसंबर के बाद किसी भी तरह की बीमा पॉलिसी की हार्ड कॉपी यानी कागजी प्रति नहीं मिलेगी, बल्कि इसे डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध कराया जाएगा। फिलहाल यह व्यवस्था शेयर बाजारों के लिए लागू है, लेकिन दिसंबर के बाद से यह व्यवस्था बीमा क्षेत्र पर भी लागू हो जाएगी। अतः इस व्यवस्था के लागू होने से पहले आपको अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लेना चाहिए। साल से सभी तरह के बीमा खरीदने वालों के लिए डीमैट अकाउंट रखना अनिवार्य हो जाएगा। इसके लिए बीमा नियामक इरडा ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। दिसंबर नए के बाद से कोई भी बीमा पॉलिसी कागजी रूप में नहीं मिलेगी। बीमा कंपनियां पॉलिसी को डिजिटल फॉर्मेट में पॉलिसी खरीदने वाले के डीमैट अकाउंट में उपलब्ध कराएंगी। बीमा कंपनियां इस नए नियम पर तेजी से काम कर रही है ताकि सभी पॉलिसी धारकों के डीमैट अकाउंट खुलवाए जा सके। अगर आपके पास भी किसी तरह की बीमा पॉलिसी है तो आपको भी अपना डीमैट अकाउंट तुरंत खुलवा लेना चाहिए, ताकि पॉलिसी के नवीनीकरण, मैच्योरिटी अथवा क्लेम किए जाने के वक्त किसी तरह की मुश्किल न हो। क्या है डीमैट अकाउंट? डीमैट अकाउंट की व्यवस्था फिलहाल शेयर बाजारों में लागू है। अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी के शेयर खरीदता है तो कंपनी द्वारा वह शेयर डिजिटल फॉर्मेट में खरीदार के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। शेयर बाजार में कागजी दस्तावेज की शक्ल में कोई शेयर ट्रांसफर नहीं किए जाते। ठीक यही व्यवस्था अब बीमा कंपनियों के लिए भी होगी। बीमा कंपनियां भी अब कागजी रूप में किसी भी तरह की बीमा पॉलिसी नहीं जारी करेगी, बल्कि खरीदार द्वारा खरीदे गए बीमा के पूरे विवरण को उसके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगी। क्यों पड़ी जरूरत बीमा पॉलिसी को डिजिटल मोड में मुहैया कराने की? योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि एक बार डीमैट अकाउंट में पॉलिसी आ जाने के बाद इसके नवीनीकरण, मैच्योरिटी के वक्त पॉलिसी धारक के बैंक खाते में किया जाने वाला भुगतान और क्लेम किए जाने की प्रक्रिया काफी सरल हो जाएगी। खासकर स्वास्थ्य बीमा या दुर्घटना बीमा के मामले में क्लेम दाखिल करना और कंपनियों द्वारा इसका निपटान किया जाना काफी आसान हो जाएगा। डीमैट अकाउंट को रखें सुरक्षित। तमाम सरकारी व गैर सरकारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन या डिजिटल होने से हैकिंग व ऑनलाइन धोखाधड़ी के खतरे भी बढ़े हैं। डीमैट अकाउंट भी इससे अछते नहीं है, चाहे वह शेयर बाजार के लिए 0.8079 हो या बीमा पॉलिसी रखने के लिए हो। ऑनलाइन फ्रॉड का खतरा हमेशा बना रहता है, इसलिए डीमैट खाता खोले जाते वक्त अपना मोबाइल नंबर अवश्य अपडेट करा ले, ताकि बीमा कंपनियों द्वारा दी जाने वाली अपडेट का अलर्ट मैसेज आपको समय समय पर मिलता रहे। इसके अलावा अपने डीमैट खाते का पासवर्ड समय समय पर बदलते रहें और इसे किसी से भी न शेयर करें। 50 करोड़ है मौजूदा पॉलिसी धारक। एक अनुमान के मुताबिक देश में 50 करोड़ से ज्यादा बीमा पॉलिसियां पहले से ही मौजूद हैं और इन सभी पॉलिसी धारकों को डीमैट अकाउंट दिसंबर से पहले खोले जाने हैं। इन सभी बंट, असमिट, यूजरनेम, पासवर्ड, लॉगिन पॉलिसी धारकों को अपने डीमैट अकाउंट जल्द खुलवा लेने चाहिए, क्योंकि अंतिम समय में इसके लिए भारी भीड़ उमड़ सकती है। अगर इस भीड़ में आप अपना डीमैट अकाउंट न खुलवा सके तो आपकी बीमा पॉलिसी के नवीनीकरण में दिक्कतें सकती हैं। कहां खुलवाए डीमैट खाता? बीमा धारकों को डीमैट खाता खुलवाने के लिए इधर उधर भटकना नहीं होगा, बल्कि और लाइसेंस प्राप्त एजेंसियों आदि में डीमैट 18462 खाते खुलवाए जा सकते हैं। वर्तमान में शेयरों में निवेश करने वाले लोग बैंकों और सेबी से मान्यता प्राप्त ब्रोकरों के यहाँ अपने डीमैट खाते खुलवा रहे हैं। इन खातों का रखरखाव नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया द्वारा किया जाएगा। किन दस्तावेजों की होगी जरूरत? डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए वही सारी प्रक्रिया पूरी करनी होगी जो एक बैंक खाता खुलवाने के लिए करनी होती है। हालांकि बैंक खाते के मुकाबले डीमैट खाता खुलवाने में कुछ आसानियां होंगी। खाता खुलवाने वाले व्यक्ति को अपना पैन और आधार देना जरूरी होगा। बीमा धारक कैसे ऑपरेट करेगा खाता? डीमैट खाता खुल जाने के बाद जब भी बीमा धारक इस खाते में रखी अपनी पॉलिसी के बारे में कुछ जानकारी चाहेगा तो उसे इस खाते में अपनी आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा। यह आईडी और पासवर्ड बीमा कंपनी द्वारा मुहैया कराया जाएगा। खाते में लॉगिन के लिए आधार से जुड़ी बायोमेट्रिक पहचान और ओटीपी का भी इस्तेमाल। पुराने ग्राहक भी खुलवा ले खाता। नए दिशा निर्देश के अनुसार बीमा कंपनियां पूर्व में जारी कर चुकी बीमा पॉलिसी को भी डिजिटल रूप में बदलने पर काम कर रही है। इसलिए सभी पॉलिसी होल्डर जिनके पास पहले से बीमा पॉलिसी है अपने डीमैट खाते तुरंत खुलवा ले, अन्यथा पॉलिसी के नवीनीकरण अथवा क्लेम में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। फिलहाल फ्री, बाद में पड़ेगा शुल्क। डीमैट खाते फिलहाल मुफ्त में खोले जा रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि बाद में यह खाते खोले जाने के वक्त 1000 से 1500 रुपए तक का शुल्क भी लग सकता है। अगर आपके पास न तो शेयर है और न ही बीमा पॉलिसी तो भी आपको मुफ्त में
डीमैट खाता खुलवा लेना चाहिए क्योंकि बाद में हो सकता है इस पर शुल्क लगने लगे।